गाइज तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है। और गाइज आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच देखने को मिला, जहां पर आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर समोआ जो और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पहली बार AEW के रिंग में आमने सामने होते गए। और गाइज इन दोनों का ये वाला मैच कोई नॉर्मल सिंगल मैच ना होके बल्कि ओवन कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल होता है। और गाइज क्योंकि ये मैच ओवन कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल था, तो गाइज इसीलिए आज इस मैच के अंदर समोआ जो के लॉन्ग टर्म राइवल और AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनलिस्ट सीएम पंक कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए, जहां पर पूरे मैच के दौरान सीएम पंक कमेंट्री कर रहे होते गए। बट गाइज बात करें यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और जो समोआ जो के इस मैच की, तो गाइज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें बैक एंड फोर्थ बहुत ही ब्रूटल और स्ट्रॉन्ग स्टाइल मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज इस मैच के अंदर हमें काफी सारे चॉप और नियर फॉल देखने को मिलते गए। और गाइज एक टाइम पर इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के हाई निक किक के साथ रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग समोआ जो को लगभग बेहोश कर देते गए, तो गाइज वहीं समोआ जो के स्पाइन बस्टर और माइक ड्रॉप के साथ समोआ जो इस मैच को कंट्रोल में लेते गए। और गाइज बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर समोआ जो उनका सबमिशन ककीना क्लश लगाते गए, जहां पर समोआ जो के सबमिशन के वजह से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बेहोश हो जाते गए। और गाइज इसके बाद रेफरी स्टॉपेज के वजह से समोआ जो इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद समोआ जो सीएम पंक पर अटैक कर देते गए। और गाइज मैच के ओवर होने के बाद हमें समोआ जो और सीएम पंक के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के इस ब्रॉल के बाद हमें समोआ जो फाइनली बैक स्टेज एरिया पर जाते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज समोआ जो रिंग के अंदर वापस आके रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर चेयर से अटैक करते गए। और गाइज इसके बाद आज AEW कोलिजन के एंडिंग के ऊपर एडम कोल और सीएम पंक हमें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को चेकआउट करते हुए दिखाई देते गए।